आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए अनियन की खिचड़ी। तो ये काफ़ी आसान से बनती है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक गिलास चावल लिया है, मैंने छिलके वाली जो मूंग दाल है ग्रीन वो लिया है, दोनों सामान लिया है। और ये स्पेशली हम बच्चों के लिए बनाएंगे तो उनको काफ़ी पसंद आएगी। इसको हम धो लेंगे, हमने इसे वॉश कर दिया है। और आप सभी का स्वागत है अप्रेजियास किचन में। स्पेशली ये बच्चों के लिए, अगर जो आपको खिचड़ी बनानी हो या इंस्टेंट आपको कुछ बच्चों के लिए बनाना हो तो डिनर के लिए काफ़ी आइडियल रहेगी ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। गैस ऑन करके हम इस पर कुकर चढ़ा देंगे हमारा। हम इसमें डाल देंगे घी, तो मैंने 3 से 4 चम्मच घी यूज़ किया है। हमारा जो ये घी है वो गर्म हो चुका है, हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए लंबे कटे प्याज है इस तरह से, तो ये प्याज को मैंने लंबा सा चॉप कर दिया है, मैंने 2 प्याज लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। गैस को अब मैं कम कर लेती हूँ क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने 4 ग्लास पानी लिया है क्योंकि मैंने 1 ग्लास चावल, 1 ग्लास मैंने दाल ली है। देख सकते हो कि जो जो पानी था कुकर में, हमने जो पानी डाला था वो बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम राइस डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। ये पानी बहुत ही फ्लेवरफुल हो गया है क्योंकि इसमें प्याज और जो ज़ीरा है, मैंने ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच डाला हुआ है, तो इससे क्या है कि हमारा जो ये जो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनता है। चलिए तो इसमें जो बॉईल आ चुका है, अब हम करते हैं ये कुकर बंद और इसको 2 विसल ले लेंगे। कुकर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। इसको हम सर्व कर लेंगे। हमारी जो दाल खिचड़ी, प्लेन दाल खिचड़ी है, वो बन के तैयार है और हम इसे घी डाल के सर्व कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।